शिमला की सुरम्य पहाड़ियों में बसा चैडविक हाउस भारत के समृद्ध इतिहास और स्वतंत्रता की ओर उसके अभियान का एक कालातीत गवाह रहा है। चैडविक हाउस कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था, तब ये बर्मा के गवर्नर का निवास स्थान था। आजादी से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यहां ब्रिटिश हुक्मरानों के साथ कई अहम बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। महात्मा गांधी 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की अपनी यात्रा के दौरान यहीं रुके थे। ये ऐतिहासिक तथ्य निश्चित रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसके महत्व को उजागर करता है। साल 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के ठीक 3 साल बाद यानी 1950 में शिमला का ये चैडविक हाउस भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय बन गया। हालांकि वक्त के थपेड़ों, उचित देखभाल और रखरखाव के अभाव में ये ऐतिहासिक इमारत धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो गई थी, लेकिन 2018 में भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान यानी CAG अपने इस ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के लिए आगे आया। दिसंबर 2020 में तत्कालीन व्यवस्थापक प्रसार भारती के तहत आने वाले ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें चैडविक हाउस को एक संग्रहालय के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आखिरकार 24 जून 2024 की तारीख भी सामने आई, जब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में गिरीश चंद्र मुर्मू ने ज्ञान के भंडार और लेखा परीक्षकों की भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में संग्रहालय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सुशासन में योगदान देने वाले लोकतंत्र के स्तंभों में से एक इस संस्थान की यात्रा को संग्रहालय में बहुत प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि चैडविक हाउस ने इतिहास बनते देखा है और भविष्य में इसे सार्वजनिक सेवा के प्रति हमारे अटूट समर्पण के प्रमाण के रूप में देखा जाना चाहिए। चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज इज ए प्राइड फॉर द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस म्यूजियम हाउसेस द लीगेसी एंड हिस्ट्री ऑफ ऑडिट इन इंडिया सिंस प्री इंडिपेंडेंस डेज। This organization is in existence for last 163 years. Since 1860, the audit has been functioning, and post-independence since 1950, the heritage and various things, artifacts and everything, have been collected, and we thought of putting it in particular place for future generation to see. The Chadwick House Museum has 10 galleries, and this is very modern with various panels, graphics, audiovisual representations, and also we have a very interactive kind of display. Apart from that, many artifacts like old typewriters, clocks, and many other things, the desks used by
various important personalities who had joined this service have been also displayed. सर्वोच्च लेखा परीक्षक का इस ऐतिहासिक इमारत से 75 साल पुराने नाते का जिक्र करते हुए मुर्मू ने कहा कि ये चैडविक हाउस ही था जहां लेखा परीक्षा और लेखा सेवा परीवीक्षार्थियों के पहले बैच ने अपना प्रशिक्षण लिया था। I am very happy to say that within record time after signing MOU with the Prasar Bharati, this belong to the premises of the information department. We took it up very earnestly and with the help of INTAS and the CPWD, the entire building, which was almost dilapidated, reconstructed, renovated without disturbing the originality, and this museum has been created. It is very, you know, and what that will be displayed there. Lot of videos, lot of old records, artifacts with touch screen and interactive kiosk, this museum becomes very interesting. I hope the people and the future generation will find it very interesting and learn from the heritage legacy.
के साथ उसको आप किताब जैसे उसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारे चीज इस तरह भी उसमें डिस्प्ले किया गया हुआ है। ऑडिट के जितना भी पहलू है इसमें दर्शाया गया है, ऑडिट का महत्व क्या है, एक डेमोक्रेसी में एक गवर्नेंस में ऑडिट का रोल किस तरह महत्व का काम करता है, ऑडिट कैसे अभिन्न अंग है एक सिस्टम को सुचारू रूप में चलाने के लिए, और कैसे ये गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है, ये बारे में भी यहाँ दर्शाया गया है। इसमें पब्लिक के लिए और भावी पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक अंदेशा मिलेगा कि ये किस तरह ऑडिट का फंक्शन क्या है और ये क्या उसका इम्पोर्टेंस है सरकारी तंत्र में और गवर्नेंस में, ये भी समझाया जा सकता है। और उसके अलावा जो लोग रिसर्च करते हैं और ये हिस्ट्री जानना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग म्यूजियम होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये म्यूजियम का कंसेप्चुलाइज किया गया। हम लोग ने बहुत सारे संस्था से इसका सलाह मशवरा किया और रिकॉर्ड टाइम में ये म्यूजियम खड़ा करने में इन्होंने मदद किया। संग्रहालय की ये सभी अलग अलग दीर्घाएं अपने इतिहास और भारत में लेखांकन के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समर्पित हैं। प्रत्येक दीर्घा को to delve deeper, going back, so it's not a flat presentation. It's interesting. It traces the public accounts right from the days of Chanakya, right down to how it developed in Europe, and then what it is today the world over. We have showcased what the CAG does, what his role is, and how critical that role is for good governance of this country and nation. We've also highlighted the role he plays in the international arena amongst all the Supreme Audit Institutions of India, how we take on new subjects which are at the cutting edge so that the job we do is actually of tremendous worth. We generally make these recommendations and we carry these forward. संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं में से एक है चाणक्य की प्रतिमा, जिसमें वे अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखते समय बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लेखांकन के सिद्धांतों का पहला दस्तावेज है। वहीं संग्रहालय में एक और बड़ा आकर्षण सर सीवी रमन की 1907 की मेज और कुर्सी है, जिन्होंने सीएजी के कोलकाता कार्यालय में सहायक महालेखाकार के रूप में कुछ समय तक काम किया था। Now, why did we choose Chadwick House? It is a little out of the way. One, Simla is a crucial part of our legacy, and it's also the starting point. The National Academy of Audit and Accounts is in Simla, housed at Yarrows. In fact, Chadwick, after independence, was the first training school for the INAS, established by the first Indian CAG, Mr. Narahari Rao. That was, and the first batch was trained in 1951. However, it didn't fully satisfy, let's say the place was not enough, and we relocated. And today, there's a sprawling academy in Simla called Yarrows. So Chadwick is part of our history, it's part of our legacy, and it was just appropriate that the museum, which
captures our legacy, our history, and educates our stakeholders, especially the young, is at the same location. We strongly believe that in preserving our history, we honor our past, understand our present, and inspire our future. औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक समय तक भारत के समृद्ध लेखांकन के इतिहास का एक संग्रहालय हो, एक ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम की स्थापना हो, इसका विचार भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि इसके विरासत। सीएजी के मीडिया सलाहकार बीएस चौहान के इस विचार ने इस महत्वपूर्ण संग्रहालय के निर्माण की यात्रा में अपना अहम योगदान देने का काम किया। ये विचार आज मूर्त रूप ले चुका है और ये संग्रहालय हमारे सामने है। अगर आप इस इमारत की कहानी देखें तो ये और इसके साथ वाली इमारत जो मैनरविल के नाम से है और इस जिस इमारत का नाम चैडविक था, ये कपूरथला के जो रॉयल फैमिली थी उसके साथ कनेक्टेड थी रही है। राजकुमारी अमृत कौर साथ की कोठी मैनरविल में रहती थी और यहाँ पे इनके ही उसी फैमिली का एक ब्रांच में राजा चरणजीत सिंह यहाँ पे रहते थे। कुछ समय के बाद राजा चरणजीत सिंह ने ये कोठी छोड़ दी थी और उन्होंने एक और कोठी ले ली थी शिमला के अंदर जिसका नाम चैप्सली है। यहाँ पे हमारी आज़ादी के बाद सबसे पहली एकेडमी ऑडिट एंड अकाउंट्स की शुरू हुई थी 1951 में। उसके बाद ये एक तरह से एकेडमी शिफ्ट हो गई, यारोस चली गई, ब्रीफली रेलवे बोर्ड बिल्डिंग में थी और ये एक तरह से ये जो ये इमारत थी आईबी के पास चली गई थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास चली गई थी और आस्ता आस्ता बिल्कुल एक खंडर की तरह बन गई थी। और जब आप अगर इधर यहाँ आप बेशक एक साल पहले आते, आपको बस एक ढेरी कूड़े की, एक रबल की, मलबे की मिलती, तो ये एक तरह से एक चीज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी एक बड़ी शानदार इमारत बनाई गई है जो एक हमारे देश के लिए, सर्विस के लिए, इंटैक के लिए, सीएजी के लिए, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ी मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दिस थिंग इज़ कम बीन क्रिएटेड। एक तरह से ये एक म्यूज़ियम तो है ही है पर साथ के साथ में एक तरह से एक ये विंडो है शहर की, हिमाचल की और सर्विस की एक हिस्ट्री के ऊपर जो हमारे को मिलने को हमें दर्शाती है कि ये कैसे बना, क्या हुआ, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था और आज की डेट में ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है। सदी की शुरुआत में चैडविक हाउस की बेमिसाल भव्यता इसके आकर्षण का केंद्र थी। शिमला उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत की समर कैपिटल होती थी। बताया जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की पत्नी फ्रांसिस शॉर्टलेट गेस्ट भी अक्सर चैडविक हाउस की लॉन में बैठकर पेंटिंग्स बनाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, दूसरी महायुद्ध के अंतर्गत, जब जापान ने बर्मा के ऊपर कैप्चर कर लिया था तो गवर्नर जो ब्रिटिश गवर्न्ड बर्मा था उसके गवर्नर के कुछ देर के लिए ये कोठी उनके घर रहा था। साथ के साथ हर एक गैलरी कुछ ना कुछ अलग अलग दर्शाती है। ये एक तरह से ये गैलरीज हमें इतिहास के तरफ ले जाती हैं, गांधी जी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि गांधी जी
यहाँ भी रहे थे और साथ की कोठी मैनरविल में भी रहे थे और बहुत कुछ उन्होंने मैनरविल से कंडक्ट करा था। और जो गांधी जी के साथ लोग आते थे अधिकतर पे, वो तो यहाँ रहते ही रहते थे और गांधी जी भी बीच बीच में कभी रहे होंगे। इसकी पूरी हमें डिटेल नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है जो एब्सेंट है, तो हम एक स्पेसिफिक डेट्स नहीं दे सकते। हमें एक ब्रॉड आउटलाइन मिलती है और उस ब्रॉड आउटलाइन पे हम ये आगे स्ट्रक्चर कर रहे हैं। आज ये म्यूजियम अपने आप में इतिहास और वर्तमान के गौरव को समेटे हुए है। ये देश का ऐसा पहला ऑडिट म्यूजियम है जिसमें सीएजी की 169 साल के इतिहास की झलक देखने को मिलती है। सीएजी ने इस इमारत का इस्तेमाल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में किया था और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के शुरुआती दो बैच के अधिकारियों को यहीं ट्रेनिंग दी गई थी। आपको बता दें कि सीएजी की स्थापना 16 नवंबर 1860 को हुई थी। वी नरहरी राव आजाद भारत के पहले सीएजी बने थे। दरअसल चैडविक हाउस अपने इतिहास और भारत में लेखांकन के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समर्पित है। ये संग्रहालय ज्ञान और प्रेरणा का भंडार है। चैडविक हाउस में बना सीएजी संग्रहालय आम जनता के लिए खोल दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए लेखा परीक्षा के गौरवशाली अतीत को जानने और समझने का एक अहम जरिया साबित होगा।